पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए, श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ घर में, खीर बनाओ। अब पकौड़ी आदि वो तो वैसे ही रहेंगे, पर जितना हो सके श्वेत व्यंजन बनाओ, श्वेत का ही भोग लगाओ, श्वेत माने समझ रहे हैं ना सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत, श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। और छोटी 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 सखियों के अगर स्वरूप मिल जाएं तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ, सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा दो। सबसे सुंदर तो ये जो हमने पहना हमारा प्रिय पुष्प है, ये मोंगरा, मोंगरा हो ऐसे मोंगरा बिछा के बीच में कमल लगा दो। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइटें जलाओ, केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठ कर के गोपी गीत का पाठ करो ठाकुर जी को। आज गोपी गीत आएगा कथा में, हम दो चार श्लोक गाएंगे, गोपी गीत का ठाकुर जी को पाठ सुनाओ। और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार हो करके, और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो, ऐसा भाव करो कि ठाकुर जी हमारे संग नाच रहे, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक, अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्याय खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। उस दिन रात्रि में ठाकुर जी, वैसे तो देखो मंदिरों में तो शयन होता ही है, शयन तो करते ही है, पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो, ठाकुर जी से निवेदन करो लाल जी अब रास करो, हम सब जा रहे हैं। फिर अपना सब करके ठाकुर जी को शयन मत कराओ, वैसे कराना चाहो तो करा भी सकते हो, पर एक भाव है ठाकुर जी को शयन ना करा के अब ठाकुर जी को रास बिहार के लिए प्रस्थान करने दो। ठाकुर जी रात भर रास करेंगे, या फिर एक आध दो घंटे के लिए आप सब ठाकुर जी को एकांत छोड़ दो, ठाकुर जी रास बिहार कर लें, उसके बाद उनको शयन करा दो। ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो, श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है और वहीं से महाराज जी आए हैं। तो किशोरी जी की नानी को नाम मुखरा, मुखराई हो ना, मुखरा। तो किशोरी जी यहाँ पर, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनियो, मानसी को भाव है रघुनाथ दास जी। अब किशोरी जी यहाँ पर मिलवे आई हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी देख रहे हैं वहां से, किशोरी जी देख रहे हैं, बीच में कुंड है। इतने में ही किशोरी जी की नानी मुखरा आ गई और आकर के बोली, अरी अरी श्यामा कहाँ को गई, अरी लाडली कहाँ को गई, अरी लाली तू कहाँ चली गई। भैया मार्ग दे दियो बीच में हमारे वृंदावन, अरे सवरे का खड़े गए, बैठ जाओ बीच वाले हो बस। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी यहां पर दोनों विचारे मिलवे आए। श्यामा श्याम मानसी में रघुनाथ दास जी दर्शन कर रहे हैं कि सूरज कुंड पे किशोरी जी सखीन संग और ठाकुर जी सखान के संग एक दूसरे से मिलवे के काजी आए हैं, और बस अब ये घूम के एक दूसरे के सामने आ गए, बस अब एक दूसरे को मिलवे ही वारे हैं, या मिलेंगे ना भी तो सखान के संकोच के कारण ठाकुर जी सीधे निकल जाएंगे किशोरी पर, कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भली छुप के निकरें, नेक स्पर्श करके निकरें, नेक नेक नेत्रन से नेत्र मिला के निकरें, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वारे हैं, अब रास होएगो, अब लीला होएगी, बस समीप आए हते इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहां को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। सो बस मिलवे ही वारी किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला? अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार के। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं आज के श्रृंगार में। देखो टीवी पर दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वापस सुंदर मोती जड़े भए हैं, केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करन लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। तो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए, और वहां जैसे ही गिरे तो बंधु एक नियम हो रहा है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचरियों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। तो रघुनाथ दास जी चिंतन कर रहे हैं कि किशोरी जी की बेणी गिर गई, अब किशोरी जी दौड़ी तो सब सखी भी दौड़ी, तो इतने में ही किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी मेरी बेणी गिर गई है ले आओ, और रघुनाथ दास जी बेणी खोजवे के काजे गए, खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब लेकिन वहां पर बेणी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए, और बाहर आकर के कहा करें आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें बेणी कहां है, बेणी कहां है।
ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए, अब मानसी नष्ट हो चुकी, अब प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं, राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बहनी कहां है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रोदन कर रहे हैं, किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कछु नहीं कर पाया, वे बहनी कहां चली गई। और आप भ्रमण करते 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 रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए और जैसे ही निधिवन गए बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेणी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे, रघुनाथ दास जी को देख के विठल उपल देव जी कही इनको लेके आओ यहाँ पे, रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बहनी ना मिल रही, बाबा रोनो बंद करो, काई को है रहे हो ऐसे, आप यो ना पतो ही कि बहनी छोड़ करके किशोरी जी गई, मां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो और किशोरी जी की कोई सामग्री रह जा कन्हैया छोड़ देगो बाकू। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी श्री हरदास जी पहचान गए और बोले कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने दो बहनी दो किशोरी जी की, बिहारी जी से कहने जी लेके भागे, अरे इन पे नाधरी मैं बताऊं कहां है, बोले कहां है, बोले राधा कुंड ते ने एक आगे जाओगे मां एक पीपल को पेड़ है, हाँ भाई पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौंरा घूम रहे होंगे, वो भौंरा कोई और ना जे कन्हैया ही है और वो भौंरा जहाँ पे घूम रहे होंगे नीचे पुष्प अंकित वो जो बेणी है वही श्री किशोरी जी की बेणी है, जाओ ले लो। रघुनाथ दास जी मानसी तो वर्षों से कर रहे थे पर मानसी की प्रसादी स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से वो बेणी प्राप्त हुई उन्हें। स्वामी जी ने बताई जाओ जाके वहां देखो पीपल वृक्ष के नीचे भोरा डोल रहे होंगे, वही नीचे बेणी है वही किशोरी जी की बेणी, भोरा कोई और नहीं है, कन्हैया ही है, प्रणाम कर लियो उनको। रघुनाथ दास जी गए गिरिराज जी और गोवर्धन में जाकर के राधा कुंड के पास पीपल वृक्ष के नीचे जाके देखो भोरा मडरा रहे, जैसे रघुनाथ जी गए तो भोरा तो वहां से प्रस्थान कर गए, नीचे देखो तो किशोरी जी की प्रत्यक्ष बेणी उनको प्राप्त। कितने जीवों की मानसी की सेवा को प्रत्यक्ष प्रसाद दिला दिया स्वामी श्री हरदास जी महाराज, विठल विपुल देव जी को करुआ दिला दिया निकुंज से, रघुनाथ दास जी को मानसी में जाकर के उनकी मानसी की लीला को पूर्ण करा दिया, जाओ किशोरी जी को दे दियो, तो मानसी में जाकर के आपने किशोरी जी को प्रस्तुत कियो तो किशोरी जी ने वही बेणी श्री रघुनाथ दास जी के गूत दी, बोले अभी आपकी है आप ही रखो, सदा वही को अपने पास रख। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज कृपा करी, सब रसिक आनंद में है। अब तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाए कि भजन साधन में कोई भी कोई को संशय होगा तो वो स्वामी जी के पास ही जावे, पूछवे के काज स्वामी जी निराकरण करें। कथा प्रसंग आता है, बहुत सारे प्रसंग हैं, तानसेन स्वामी जी के परम सेवक हुए तानसेन, तानसेन का नाम तो सबने सुना ही है, मधुर गायक हुए, तानसेन को राग दीपक सिद्ध था और वो जैसे ही राग दीपक गाते थे उनके दीपक राग को सुनते ही दीप जो थे वो प्रज्वलित हो जाते थे। कुछ गायकों ने चिढ़ करके तानसेन के लिए ऐसी योजना बनाई कि ये राग दीपक गाएं और इनके साथ अनी, तो ऐसा होता था जो छप्पे में वर्णन किया गया है, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे,
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो तानसेन जो थे ये अत्यंत श्रेष्ठ गायक, पर आपको राग दीपक सिद्ध हुआ था, पर दीपक राग की एक विशेषता तो ये थी कि उसको गाने से दीपक जल जाते थे, पर उसकी एक नुकसान ये होता था कि राग दीपक गाने वाले को बाहर वालों को नहीं दिखता था, पर गाने वाले को भीतर ही भीतर जलन होने लगती, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी उसके भीतर, और वो अग्नि जल से, सरोवर से, नदियों से शांत होने वाली नहीं थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि कोई मेघ मलार राग गावे तो उस राग को सुनकर के अग्नि शांत होगी। और तानसेन अभी मेघ मलार राग अच्छे से निपुण नहीं हुए थे गाने में, इसलिए तानसेन ने धीरे धीरे कम कर दिया राग दीपक गाना, क्योंकि जलन होने लगती थी। अब मेघ मलार कोई गा के सुनाए तब ठीक होते थे, अब कोई गाने वाला था नहीं। लेकिन एक बार कुछ गायकों ने चिढ़ करके राजा से कहा, बोले जब ये दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, राजा की प्रशंसा होती है, इसलिए राजा की प्रशंसा ना हो इसलिए ये दीपक राग नहीं गाते। राजा बोला अच्छा, हमारी प्रशंसा से इसको चिढ़ होती है? बोले हाँ जी, इसीलिए दीपक राग, आप नहीं तो पूछ के देख लेना, आप कहना दीपक राग गाओ मना कर देगा। राजा के कान भर दिए लोगों ने। राजा ने आज सभा में तानसेन से कहा, बोले तानसेन दीपक गाओ। इतने में सैनिक आए, दीपक ले आए घी डाल के। तानसेन बोला भगवान आपसे प्रार्थना है कि दीपक गाने के लिए आज्ञा ना दें, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है गाने में। राजा बोला कोई कष्ट नहीं होता, ये सब तुम्हारी चाल समझते हैं, सभा सब आनंदित होती है, हमारी सभा है आनंदित होती है और हमसे आनंदित होती है, वो देख करके तुम प्रसन्न नहीं होते इसीलिए गाने से मना कर रहे हो, या तो गाओ नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तानसेन बोला दोनों तरीके से मृत्यु है, नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, गाऊंगा तो जल जाऊंगा, अंदर ही अंदर मेघ मलार कोई सुनाएगा नहीं, मृत्यु हो जानी मेरी। तानसेन पहले भी ब्रजमंडल आ चुका था, तानसेन पहले भी ब्रज में आकर के सेवा कर चुका था, पर स्वामी जी से अभी तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। गोवर्धन आया था श्रीनाथ जी की हवेली में गाने। महाराज जी एक लीला ऐसी सुनाई जाती कि तानसेन जब गाने आया श्रीनाथ जी के सामने तो पान मुख में रख करके गा रहा था, तो गोसाई विट्ठलनाथ जी बोले झूठे मुंह सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की, कुल्ला करके आओ चलो। तानसेन बाहर गया, बोले अब वो तो राजाओं के दरबार का गायक, उसको क्या पता मंदिर में कैसे गवता है। गया बाहर जाकर के कुल्ला आदि करके आया, बढ़िया उसने सब स्वच्छ होकर के आया, फिर उसने जब गाना शुरू किया तो भीतर खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आने लगी ठाकुर जी को। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी भीतर गए, बोले जय जय कहा भयो, बोले पहले बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा रहे करो, मुझे तो आनंद ही ना आ रहो। गोसाई जी बोले जय जय पहले पान मुंह में धर के गा रहो, अब मैंने कही अपरस की भावनाएं आपके लिए शुद्धता देखनी पड़े, हाथ पाम धो मुखो पूछो होना चाहिए, तो मैं नहीं कह दी कुल्ला कर क्या, ना ना यात्रियों को फिर पान खा के आए फिर गावे। गोसाई जी ने पर्दा क्यों जय हो, ये सबरे नियम हमारे काजी बनाए हुए हैं, अपरस करो, हाथ का खासा करो, शुद्धता रखो, यो कपड़ा पहनो, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और यहाँ करवे में या के काजी, अब देखो या तो याद कभी चलो जाए, और यदि गानो चारो पान खा के आए पहले। गोसाई जी बाहर आए, तानसेन बोलो जी जय जय आज्ञा, बोले तुम पान खा के आओ, बोले आप तो मना कर रहे थे झूठे मुंह नहीं, अब खाए आओ कोई बात नहीं, दो पान दबा के आयो, जैसे ही राग गाने शुरू किए सीना जहां अब आ रहा है, अब बढ़िया लग रहा हूं। तो भैया बड़ो नवीलो ठाकुर है, जन कौन को कौन सो गुण बढ़िया लग जाए, हम नहा धो करके अपरस में खिचड़ी बना दे तो पावे ना हमें, और कर्मा भाई बिना नहाए धोए बना दे बाकी खावे काज दौड़े चले हमें, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते।
ठाकुर जी की लीला भैया कब कौन से कहां रिझना कुछ पता नहीं। तो तानसेन, सब लोग सावधानी से सुनो, तानसेन ने जैसे मन में सोचा कि नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा और गाऊंगा तो दीपक राग गाने से जो ज्वलन होगी उससे मर जाऊंगा, इससे बढ़िया तो गा के मर जाता हूं। और उसने जैसे ही दीपक राग गाना प्रारंभ किया, महाराज यहां दीप प्रज्वलित होते जा रहे हैं, एक एक करके दीप जलते जा रहे हैं, समाज बैठा है, सब करताल बजा बजा करके जय जयकार कर रहे हैं, राजा भी बार बार अपनी ताल ठोकता, हाँ आनंद आ गया, मेरी सभा में आज रौनक लग गई। पर तानसेन लाल पड़ गया, फोड़े होने लगे शरीर पर, गला बिल्कुल उसका अवरुद्ध होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भीतर ज्वलन होने लगी उसको, मानो किसी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। तानसेन गा करके वहां से दौड़ा, अरे भैया जल गयो, अरे भैया जल गयो, कोई बचाओ कोई बचाओ, अरे राग मल्हार गाओ, मुख जलन है रही है, जल्दी कछु कृपा करो। अब यहां दो कथा आती हैं कि तानसेन ब्रज की ओर दौड़ा और एक कथा ऐसी आती है कि तानसेन ओरछा की ओर दौड़े। दो भाव आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। अब जो भी भाव हो, गति तो हरिदास जी हैं। तानसेन दौड़ा तो तभी कहते हैं कि एक जगह तानसेन जाकर के गिर पड़ा तो वहां एक कन्या ने तानसेन के जब अंग के भावों को देखा और उसकी विचलनता को देखा, वो समझ गई कि इसने राग दीपक गाया है और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेघ मल्हार नहीं गाया जाएगा। वहीं बैठ करके मेघ मल्हार गाना प्रारंभ किया, घने बादल आ गए, आकर के तानसेन के ऊपर गरजने लगे, बरसने लगे, उस वर्षा के जल से तानसेन के जितने अंग पर पीड़ा हुई थी वो सब शांत हो गई। तानसेन उठ करके बैठा, बोले किसने गाया मेघ मल्हार? एक कन्या बैठी थी सामने। तानसेन बोला, ये राग आपको कैसे याद हुआ? तो उसने कहा, मेरे पिताजी गुनगुनाते रहते हैं, मेरे पिताजी चलते फिरते गाते रहते हैं, उनका सुन सुन के मुझे याद हो गया, मैंने गा दिया। तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले हमारे पिताजी संगीत के मूर्धन्य विद्वान बैजू बाबरा, मेरे पिताजी। बोले मुझे अपने पिताजी से मिलवाओ, मुझे सीखना है। और उन्होंने किससे सीखा संगीत? बोले उनके गुरु की तो बात ही मत करो, उनके गुरु की मत पूछो। बोले कौन है? बोले श्री वृंदावन में जिन्होंने कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हमारे पिताजी के गुरु जी। तानसेन ने जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी का नाम सुना, बोले अब बैजू बाबरा के पास क्या जाएं, सीधे उनके गुरु जी के से जाके सीखेंगे। इतनी सुंदर लीला है तानसेन की स्वामी जी के साथ में। आज महाराज जी एक तानसेन का पद भी गाऊंगा मैं, अष्ट छाप के गाए, सरस माधुरी जी के गाए, रसिकन के गाए, आज एक तानसेन का पद सुनाएंगे जो स्वामी जी की कृपा से उसको दृष्टि प्राप्त हुई। तानसेन के पद भी ताल में नहीं गप पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा गाने का। तानसेन पहुंचा वृंदावन, वृंदावन गया, सामने जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसने अपना परिचय प्रदान किया। बोले भगवान मैं तानसेन हूं, गायन की सेवा करता हूं दरबारों में, राजाओं के यहां। अपनी पूरी घटनाक्रम बताई और कहा कि मैं आपसे संगीत सीखने के लिए आया हूं, संगीत विद्या सीखने के लिए आया हूं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, लोक रंजन करवे वारे, दुनिया के बादशाह को रिझावे और तो को मैं सिखाऊं, फिर तू जाके उन बादशाह की खवासी करे। और स्वामी श्री हरदास जी तो खड़े बोलते, आज भी हमारे हरिदासी महापुरुष सब खड़े ही बोलते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो वासे प्रेम से बोल जाए। अच्छा एक बात है, जासे प्रेम से बोल जाए वह सौभाग्यशाली है ही नहीं,
जहाँ में पड़े महाराज दो चार डंडा समझो कि हाँ लकुटी पड़े स्वामी जी हरदास जी की है ना, ऐसी एकाध पड़ जाए समझो हाँ कृपा है गई। हरदास इनको तो भाव ही अलग है, लेकिन तानसेन तो महाराज चरणन में बैठ के बोले नहीं जय जय आप कृपा करो, आप आज्ञा करके मुको सुंदर राग रागनी सिखाओ। तो स्वामी जी बोले रोज आ जाए पीछे पड़ो भयो, चल बैठ जाए यहीं पर, चल राग यमन सुना। तो महाराज जो अब मैं तो सामान्य राग बोलूंगा जितने मुझे याद हैं, पर ऐसे ऐसे राग जो तानसेन ने कभी सुने नहीं, स्वामी जी उसको बोलते ये गा के सुना, और वो जानता भी नहीं था फिर भी उन रागों को गाने लग जाता था। स्वामी जी महाराज कहते अब चल ये वालो राग सुना, वही राग गाने लग जाता जो स्वामी जी उसको आज्ञा करते। वो समझ गया, बोले भैया ये कोई सामान्य संगीतकार नहीं है या कोई सामान्य गंधर्व विद्या के अधिकारी वैसे नहीं है कि कोई किसी को बैठा के सिखावे या बैठ के सरगम लगवा में, ये तो कृपा भर के अगर देख लेंगे तो महाराज जाके स्वर नहीं होगा वो भी गाने लग जाएगा, ये तो स्वामी जी की कृपा है। और स्वामी जी ने ऐसे ही बोल बोल करके चल अब ये राग सुना, अब ये राग सुना, अब ये राग सुना, जो राग को नाम लेते तानसेन गाने लग जाता। तानसेन का एक पद है बहुत सुंदर भाव है, द्रगन मेरे जोलो सुख होए। महाराज जी बहुत सुंदर शब्द है तानसेन के, स्वामी जी ने हाथ रख दियो तानसेन के ऊपर तब तानसेन को ये दर्शन हो रहा है। द्रगन मेरे जोलो सुख होए त्यों लो देखबो करो तिहारो ही आनन। द्रगन मेरे जो लो सुख हो त्यों लो देखबो करो तिहारो ही आनन। एक पल अंतर हो अंधियारो सूझत ना तानसेन कह रहे हैं द्रगन मेरे ज्योलो सुख होए त्योलो देखवो करूं तिहारो ही आनंद। अभी तक तो केवल राजाओं की खवासी करी, पर स्वामी श्री हरदास जी की चरण रज प्राप्त है गई तो तानसेन के शब्द बदल गए। बिहारी जी के सामने बैठ के गा रहा है कि मेरे नेत्रन को जैसे सुख मिले तैसे मैं आपको दर्शन किया करूं, या फिर भाव ऐसा है कि आपको देखवे में ही मेरे नेत्रन को सुख प्राप्त होवे। एक पल अंतर होए अंधियारो सूझत ना दिन दिए, आपके बगैर यदि एक क्षण भी मेरा व्यतीत होता है तो मेरे आंखों के आगे अंधियारे हो जाते हैं, दिन के दिया यानी कि सूर्य भी मुझको दिखाई नहीं देते आपके आगे। हे नाथ आपको रूप कैसो है, बोल ना सुहात काहू को कानन, कोई मुख आके बोले तो बाकी शब्द भी मुख को बढ़िया ना लगे, क्योंकि अभी तक आपको मैंने देखो नहीं है, आप दिख जाओ तो ही मेरी सर्वांगीण इंद्रिय भाई रस स्वीकार करे, आपको देखे बगैर मैं कोई रस स्वीकार ना कर पाऊं। नाथ तुम्हारो ही ज्ञान ध्यान तुम्हारो ही सुमिरन तुम
मेरे आपका ही ध्यान करता हूँ, आपको ही भजता हूँ, आपका ही सुमिरन करता हूँ, आपके बिन मेरा कोई भी नहीं है नाथ। तानसेन के प्रभु तिहारी माया तानसेन के प्रभु तिहारी सबको लागत पहचानिए तिहारो ही आनन। आपकी कृपा से मुझे पूरा विश्व पहचानने लगा नाथ। मैं अब तक गाता था तो मन में आता था कि वो राजा मुझे बुलावे, वो राजा मुझे बुलावे, वो राजा मुझे बुलावे, लेकिन आज आपने बुलाया तब मुझे समझ आया राजाओं के दरबार में गाना तो केवल और केवल मेरा अभ्यास था, मूल गायन तो आपके सामने करना था। अब तक तो मैं अभ्यास करता रहा, मूल गायकी तो आपके सामने कर रहा हूं। द्रगन मेरे जो लो सुख होए त्यों लो देखबो करो तिहारो ही आनन। तानसेन के प्रभु तुम्हारी मोहे सबको लाग्यो पहचानन तिहारो आनन। मानो तानसेन गाने लगा श्यामा प्यारी। नाभा जी कह रहे हैं कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपनी कला से तो ठाकुर जी को रिझाते ही हैं और दूसरा भी कोई कलाकार मिल जाए तो उसको भी पकड़ करके ठाकुर जी को रिझवार में लगा देते हैं, जैसे तानसेन। तानसेन इतने वर्षों से गा रहा था पर आज जाकर के उसको पता चला कि मैं किस लिए गा रहा था। महाराज जी वर्णन आता है कि एक दिन तानसेन रोज इसी बात में बैठा रहता था कि ये मुझसे यूं कह दें कि आज चल बिलावल गा दे, क्योंकि ये जिस राग का नाम ले वो मुझे याद हो जाता है। ऐसी स्थिति तानसेन की होती जा रही थी। एक दिन ऐसा प्रसंग बताते हैं कि स्वामी जी महाराज को लगी ये कंटक कैसे छूटे मोते, रोज आके बैठ जाए सामने। अब स्वामी जी सबके मन की जानते हैं, तानसेन तो रागों के नाम याद करके आता, ये वाले राग अभी रह गए मुझे आए नहीं है, स्वामी जी इनके नाम और बोल दें तो याद हो जाएंगे मुझे। स्वामी जी बोले कंटक कैसे दूर हो, तो स्वामी जी का नियम था वो एक बाटी, मैंने कल बताई ना, एक बाटी बनाते छोटी सी कुंज बिहारी लाल पे ऐसे उसार के जितनी नजर गुजर हो लाल जी की सब बाटी में आ जाए, बाटी खा लेते। अब स्वामी जी के सेवक गण सब आसपास खड़े रहते, स्वामी जी ने बाटी पाई और पा करके आज अपने दोना जो है काए प्रसाद के उनको ले जावे की आज्ञा तानसेन को दे। ओ भैया यहाँ पे ले जा। तानसेन ने जैसे वो दोना उठाया महाराज लेके, अब वो जाके कहीं रखे देवे ऐसे तो है नहीं, निधि है गुरुदेव की। तानसेन ने पूरा दोना खा लिया, चबा लिया, पा लिया भीतर। गुरुदेव की झूठन है, गुरुदेव की शीत प्रसादी है, यही प्रसादी मिल गई भैया, या को पालो या को कहां धरेंगे हम। और जैसे ही शीत प्रसादी के रूप में दोना पाया महाराज जी, संगीत कला के जितने राग रागनिया हैं सब मूर्त रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के तानसेन से हाथ जोड़ करके कहने लगे हमको सेवा में ले लो।
स्थिति तानसेन की ये कर दी, अब राग रागनिया चारों तरफ घूमती है तानसेन की। तानसेन को जो गाने का मन होता है उसी राग को देखता, हाँ भाई तुम आ जाओ, उसको गाते हैं। अब ये कृपा नहीं करी, ये तो स्वामी जी ने हमारे क्यों जल्दी अब ये सब सीख साख जा भाई यहाँ से बैठो रहे पूरे दिन यही। लेकिन तानसेन तो जैसे देखा समस्त राग रागनिया प्रकट हो गई, स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी अहेतु की आपकी, आपका अनुग्रह मुझ पे हो गया, मुझे सदा के लिए आप यहीं रख लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुंज बिहारी लाल जी को गा गा करके सुनाया करूंगा। स्वामी जी बोले इतनो भार ढोवे की मेरी इच्छा ना है, तू चलो जाए यहां से। क्योंकि तानसेन के मन में अभी भी क्षण की ये भाव तो होता था कि मैं गाऊं तो कोई रिजवार वाहवाही करे, नहीं तो सीखने की इच्छा ही नहीं होती उसके, उसको ये लगता जितना है पर्याप्त है। लेकिन उसको अधिक और लेने की इच्छा क्यों है, क्योंकि वो अभी भी ये चाहता है कि मैं समाज में जाऊं सब मेरी प्रशंसा करें। इसी बात से स्वामी जी समझ गए कि अभी ये सेवा के लायक नहीं है ठाकुर जी की, अभी इसको और निपुण होने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी बोले जाकू खुद से दूर करनो वाकू कोई लोभ दे दो। एक भोरी सखी जी का पद है ना, ऐसो दुख दी जो ही हमारे। उस पद में एक बात बहुत अच्छी लगती है, बस सबरो पद अच्छा है। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही हमारे। बोरी सखी कह रही है मुकु सब जाने पहचाने, सब मेरी प्रशंसा करें, या से मुकु दूर रखियो श्यामा जी। भैया एक बात कहें, हम तो कथाकार बन गए, कथाकार बन गए तो प्रशंसा भी मिले, लोगों को प्रेम भी मिले, स्नेह भी मिले, आदर सम्मान भी मिले। पर एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, भक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है। आज आपने बाबा ने मुकु कमल दे दिए मंच पे आके, और कल बाबा कमल नहीं लाए और सामान्य कन्नेर फूल लिया है, तो मेरे मन में दोष आ जाएगा, है बाबा कल तक प्रेम ज्यादा है, कमल फूल आ रहे हैं अब कन्नेर आ रहे हैं। आप लोग मेरे लिए बढ़िया वाले वस्त्र ले आए, महंगे वाले तो आज तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कल अगर सस्ते वाले ले आए तो मन में दोष, अच्छा कल तक बढ़िया लेके आयो अब तो ऐसे ही ले आयो। सम्मान से ये दृष्टि प्रकट हो जाती है। अब क्या करें, हम तो प्रयास तो महाराज जी रहता है कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा। पर हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि साधक को सम्मान से बचना चाहिए। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने एक दिन अन्नकूट किया, और अन्नकूट को दर्शन करने के लिए राम बघेला करके नाम को एक राजा आयो। इतना इतना समर्पित था स्वामी जी के लिए कि स्वामी जी के सन्मुख आके बैठो, स्वामी जी बोले आज 56 भोग लगे हैं ठाकुर जी दर्शन कर। उसने जाके देखा कुंज बिहारी लाल बैठे हैं और महाराज सुंदर 56 भोग सजे। उसकी दृष्टि कुंज बिहारी पर नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि भोग पर नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि कहां पड़ी, ओहो मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तनों में भोग रखा है। अरे हम राजा हैं, हमारे गुरुदेव का स्थान है, इतनी तो सेवा करेंगे। भोजन सिद्ध अमनिया करने के लिए चांदी के पात्र, और भोजन पधराने के लिए सोने के पात्र की व्यवस्था करूंगा, लेकिन गुरुदेव से आज्ञा ले लूं एक बार। चरणों में प्रणाम किया, स्वामी श्रद्धा जी बोले कहो कैसे 56 भोग के दर्शन कैसे लगे बिहारी जी के, बहुत अच्छे हैं सरकार एक निवेदन करें। बोले जी सब मिट्टी के पात्रों में भोग रखा था, आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने चांदी के पात्र भिजवा दूं, चांदी के पात्र मनिया के, स्वर्ण के पात्र भोग पधराने के, सुंदर शोभा बढ़ेगी बिहारी जी की। स्वामी जी बोले तो ये रज के पात्र दिख रहे, तो मट्टी के पात्र दिख रहे। बोले हाँ जी, फिर तो देख के आइयो ने। जैसे ही लौट करके गया तो महाराज सोने के पात्र उनपे भी मेघी मेघी मणियां लगी हुई थी। लौट करके आया, चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा कर दो। रज उठा करके बाकी ऊपर डाल दे, बोले याते बड़ो धन नहीं है दुनिया में,
निवृत निकुंज श्यामा श्याम के चरणार बिंद को प्रत्यक्ष स्पर्श या रज को प्राप्त है, या कि होड़ करेंगे सोना चांदी, कभी दोष दृष्टि मत देखियो दोबारा ते, और ये कोई सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी तो ऐसे ही कर देते, सम्मान से वस्तुओं से सबसे परे रहते, लेकिन कोई दिख जाता कि सम्मान वस्तु का आदि है तो स्वामी जी उसको भी दूर कर देते। आज भी तटिया स्थान में नियम है, तटिया स्थान के भाव देख करके आपके मन में आ गया कि महाराज जी मुझको अंगीकार करो, मुझको दीक्षा दे दो, दीक्षा दे देंगे, लेकिन आपने कही सेवा में रख लो, नहीं रख सकते। मुझसे महाराज जी बात करें तो यूं कहें, अरे लाला बड़ो प्रपंच चल रहा है, इस संसार के सब व्यसन भोगन को करवे वारे, और बताइए शुद्ध स्थान पर रहेंगे कितने दिना मन लगेगा, यहाँ तो बिजली ना, यहाँ तो पंखा ना, यहाँ तो लाइट ना, यहाँ तो फोन नहीं, कैसे रहेंगे? दो चार दिन को आकर्षण है या हमारे, मैं तो आ नहीं ना दूं, कोई को ना रखे महाराज जी। एक बार एक व्यक्ति ने भोग राजभोग की सेवा करी तटिया स्थान में, तो तटिया स्थान में सेवा करने के बाद में जो सेवा लगी थी धन राशि वो लेकर के गया महाराज जी के, अभी वर्तमान महाराज जी जो विराज रहे उनके चरणन में सेवा रख के बोलो, महाराज जी आज हमारी तरफ से सेवा थी, पर कल की सेवा में भी हम आए थे, कल किसी और की थी, कल हमने कल का भोजन ज्यादा अच्छा था, आज का बढ़िया, इतना स्वाद नहीं था कल वाला। महाराज जी ने गड्डी ली, बोले ले धर ले, ले जाया को वापस, हैं स्वाद देख रहो भोजन में, यो ना देख रहो मोहिनी बिहारी जी को अधरामृत है, हैं अधरामृत में भेद होवे, मोहिनी बिहारी जी कछु भी काम है, वो सब भोग है। आज भी वही नियम चल रहा है स्वामी जी की परिपाटी का। तो तानसेन बोला कि मुझे यहीं रख लो, स्वामी जी बोले अभी अधिकारी नहीं बनाए। स्वामी जी बोले सुनो तुम चले जाओ दिल्ली। बोले क्यों? वहां बादशाह अकबर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अकबर का नाम सुनते ही तानसेन के तो बोले ओहो, गा के सुनाऊंगा, सोने की मोहर दिया करेगा। अच्छा गुरु जी कब जाऊं? बोले हैगी बस, हैगी श्रद्धा पूरी नेक में, निकल जा और वहां जाकर के ये राग गई हो, राग को नाम बोल दियो, तेरे राग को सुनकर के तेरो 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 कहा के तेरो मुनीद है जाएगो अकबर। ठीक है, तानसेन तो तुरंत प्रणाम करके क्षण भर भी नहीं रुको, तुरंत भाग गयो दिल्ली। स्वामी जी तो सबके हृदय की जाने, तानसेन गया जाकर के अकबर को जैसे ही वही राग सुनाया जो स्वामी जी ने कहा। अकबर तो बड़ा रिजवार खूब सुनता था, वो तो उसने ऐसा स्वर सुना ही नहीं। महाराज सिंहासन से उठ करके आके खड़ा हो गया तानसेन जी के सामने, आकर के बोला मेरे नवरत्नों में मैं आपको शामिल करता हूं, क्या गाते हैं आप, मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में इस त्रिलोकी में आप जैसा गाने वाला नहीं। अब उसकी तो उर्दू भाषा रही होगी, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, और उसने जो भी बोले वो शब्द, लेकिन तानसेन को तभी स्मृति होने लगी अपने गुरुदेव की। बोले देखो आप हमारी गायकी की प्रशंसा करो, सब कहो, सब अच्छी बात है, पर इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा गायक ऐसा तो बिल्कुल मत कहिए। अकबर बोला मैंने पूरे भारत के गायकों को सुना है, मुझसे अच्छा श्रोता कोई नहीं होगा, तुम्हारे जैसा स्वर मैंने सुना ही नहीं है आज तक। तानसेन जी बोले अभी आपने हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी को नहीं सुना, हमारे गुरुदेव का स्वर सुन लोगे तो आप ये बात कभी नहीं बोल सकते। वहीं एक पात्र में जल था, एक बड़ा पात्र था, उस पात्र में उंगली बोर के निकाली, बोले इसमें जो बिंदु आई है ना मेरी गायकी तो इसके समान है, मेरे गुरुदेव की गायकी तो विशाल सागर के समान है, अद्भुत गाते हैं। अब अकबर तो बादशाह है झांपना, वो तो वैसे ही आगे, अच्छा चलो गुरुजी को बुलवाओ अपने को। तानसेन मुस्कुराने लगा, वो कभी नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बादशाह बुलाएगा, झांपना बुलाएगा, वो नहीं आएंगे? बोले आप बादशाह एक देश के हो, वो जिस बादशाह को लिए बैठे हैं वो पूरे त्रिलोकी का बादशाह है, ब्रह्मांड का बादशाह, और
महाराज बड़े राजाओं की सेवा में रहने वाले छोटे मोटे गांव के राजाओं के पास नहीं जाते। ब्रह्मांड का राजा बेटा है हमारे गुरुदेव के पास, वो आपके पास क्यों आएंगे? कभी नहीं आ सकते। अकबर की तो अब रट लग गई, जब भी मिले तानसेन से, मुझे स्वामी जी हरदास जी का स्वर सुनना है, मुझे उनका स्वर सुनाओ, मुझे उनका बोलो। उसके लिए तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, और वृंदावन जाने के लिए आपको अपना राज स्वरूप त्यागना पड़ेगा। इतना आदि हो गया स्वर सुनने का, उसने स्वीकार कर लिया मैं राज स्वरूप त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे स्वामी जी का स्वर सुनाओ। तो बोले फिर राज स्वरूप त्यागना पड़ेगा तो क्या पहनना पड़ेगा मुझे? वो तानसेन बोले झांपना, क्षमा करना गुस्ताखी, आपको मेरा दास बन के चलना पड़ेगा, मेरा खवासी बन के चलना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले गायकों के साथ में पीछे तानपुरा वाले बैठे रहते हैं, तंबूरा उठा के चलते हैं, आपको वो बन के चलना पड़े, तब तो स्वामी जी सुनाई देंगे, नहीं तो नहीं। अकबर ने एक रात सोचा, दूसरे दिन बोला ठीक है तैयारी, क्या किसी को पता थोड़ी चल रहा है, मैं तंबूरा उठा के चल दूंगा सुना दो। तानसेन बोला दूसरी बात, आप बोलते बहुत हैं, क्षमा करें गुस्ताखी, क्षमा, आप बोलते बहुत ज्यादा, गुरुजी के सामने ज्यादा बोलना नहीं, चुपचाप स्वर सुन के निकल लेंगे वहां से। अकबर मन में सोचने लगा पहले तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जाते जाते बता तो जाऊंगा कि झांपना हूं मैं। अरे पता चलेगा कि झांपना आया तो अपने आप ही आनंदित हो जाएंगे। स्वामी जी की स्थिति को कौन जाने। अकबर आया मथुरा तक तो सेना लेके आया, मथुरा में अपनी सारी सेना छोड़ी, अपना पूरा रूप बदला, बिल्कुल महाराज दीन हीन से वस्त्र पहन लिए, तंबूरा उठा के तानसेन के पीछे दास बन के चल रहा है स्वामी जी का स्वर सुनने के लिए। निधिवन राज में प्रवेश हुआ, स्वामी जी अपने मानसी में विराज रहे थे, तो तानसेन आदि कुछ लोगों को अंदर प्रवेश था, बाकियों को बाहर ही रोक दिया गया। अकबर को रोकते हुए तुम यही रोको, तानसेन जी आप जाओ भीतर। अकबर की आंखें चढ़ने लगी, तानसेन बोले नहीं आप खवास बन के आए हो मेरे, वैसे ही रहो, कोई नहीं, ये रोकेंगे आपको, कुछ कहें भी सुन लेना, झांपना सोच रहा हूं, कुछ नहीं कर ले, जाते जाते सबको बता के जाऊंगा झांपना हूं मैं, सब क्षमा मांगेंगे फिर मुझसे। भीतर तानसेन पहुंच गए, जाकर के प्रणाम किया, मानसी निवृत्त हुए। स्वामी जी तो सबके मन की जानते हैं, स्वामी जी समझ गए कोई आया भी है साथ में और स्वर सुनने आया। स्वामी जी ने कहा तानसेन सेवा करो, कुंज बिहारी को कुछ गा के सुनाओ। तो तानसेन ने गाने के लिए कहा कि साथ में एक सेवक आया है तंबूरा बजाने, आपकी आज्ञा हो तो बुला लूं भीतर। हाँ बुलाओ उसको, भीतर बुलाओ। बादशाह अकबर पीछे तानसेन के बैठा, हाथ में लिए तंबूरा बजा रहा है, स्वामी जी सामने बैठे हैं। तानसेन ने गाना प्रारंभ, तानसेन जानता है कि मैं प्रत्यक्ष नहीं कह सकता कि कुछ गा के सुना दीजिए गुरुदेव, इसलिए तानसेन ने ऐसा गान किया कि गान में त्रुटि करने लगा, गान में स्वर बिगाड़ने लगा। और क्षमा करें हम आपके लिए तो ऐसी कोई विधान नहीं है, पर जो लोग नियम से संगीत सीखते हैं, नियम से संगीत का रियाज करते हैं, अलाप लगाते हैं और गायन करते हैं, यदि वो अपने गायन में त्रुटि करते हैं तो उनको पाप लगता है। अब मां ऐसा बता, मां तो ऐसा कहा कि ब्रह्महत्या समान पाप लगता है स्वर में त्रुटि करने पर। तानसेन ने जैसे स्वर बिगाड़ा, स्वामी जी क्रोधित हो गए, क्या गाते हो, यही सीख रहे हो सब दरबारों में गागा करके, और ये झांपनाओं के और ये बादशाहों के और ये इनके यहाँ रह रह करके सब बिगड़ गया तुम्हारा खान पान सब। और महाराज चार सुना दी बादशाह अकबर को, बादशाह वहीं बैठा था जोर जोर से तंबूरा बजा रहा है। तानसेन बोला क्षमा करें भगवान, आप कुछ सुना दीजिए, सीधे कहो सुनने आए हो। जी भगवान सुनने आया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कही तंबूरा नीचे धर दे तू अपनो, और अपनी वीणा लेकर के जैसे ही स्वामी जी ने एक स्वर अलापा है महाराज, वो स्वर अलाप करते ही ऋतुएं एक साथ आकाश में प्रकट हो गईं, झंकार ऐसी कि महाराज कण भी उठने लगे ब्रज के, और जगह जगह के वन के
बनचर जीव आ करके चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। सुंदर शीत ब्यार बहने लगी, सब कुछ अनुकूल वातावरण जैसे होने लगा। सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में प्रकट हो गए। अद्भुत का एक स्वर लगाने पर यह स्थिति हो गई।